तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं फिर एक नया वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी सी राइडिंग है और थोड़ा बहुत इसमें कुछ व्यूज़ देखने को मिलेंगे आपको। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, एक मंदिर है जो मेरे घर से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर है। तो वीडियो भी शूट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी दिन से जो है यूट्यूब में मेरी कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई थी। अपना फ़ोन, अपना बाइक, अपनी हेलमेट लेके, और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वक्त वो अपने फ़ोन से, क्योंकि एक मैंने देसी जुगाड़ लगाया है अपने हेलमेट के साथ और उससे जो कि वीडियो शूट हो जाती है। और रोड के हालत भी काफ़ी अच्छी नहीं है वैसे, क्योंकि बारिश हो रही है, बरसात का टाइम है, सावन लग चुका है और जगह जगह गड्ढे हैं। Let's see। और ये लगता है अपने दोस्त भाई लोग है यहाँ शायद, यहाँ पर रोड का काम हो रहा है। देख लो बारिश का पानी रोड तक आया हुआ है बिल्कुल, और यहाँ पर शायद दीवार लगाई जा रही है। बता रहे हैं दोस्तों, आजकल अपनी बाइक की खिंचाई बहुत कम हुई है। और इसमें काफ़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी है बाइक में, और जैसे ये आप मीटर देख रहे हो, ये कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ शो के लिए। मैंने ये सोलन से लगवाया था थंडरबर्ड का मीटर, जो कि मेरे को 1500 रुपये पड़े थे। तो किसी का काम का नहीं है वैसे ये मीटर, तो मैंने सोचा है कि इसको तो वापस से जो पुराने वाला मीटर था डिजिटल मीटर पल्सर 150 का, तो उसे वापस से इसमें इंस्टॉल करूंगा मैं। तो उसकी भी वीडियो आएगी यूट्यूब में, और इसका मैं पूरी तरह से जो है वायरिंग भी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने इसमें ये जो राउंड हेडलाइट है जब ये लगवाई थी, तो जो वो मैकेनिक थे उन्होंने जो है काफ़ी वायर जो है जो प्लग के साथ आते हैं, तो उन प्लग को काट के उन्होंने अपना ही जो जुगाड़ होता है जुगाड़ लगा के उन्होंने लाइट तो फिक्स कर दिया। बाकी जो है इसमें वायरों का कुछ पता नहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि सारी वायरें कट हैं, इसमें कोई सॉकेट कोई प्लग नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो उस वजह से मुझे सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ रही है। डिजिटल देखिए गए हम पहुँचे हैं सिंगरी, नज़ारा ठीक है, बादल लगे हुए हैं, गैस कभी बारिश हो सकती है। ये देखिए ये है हाथ, ये भी जो सड़कों के ठेकेदार होते हैं उनकी बदौलत है कि ये कहाँ पहुँच चुके हैं। गैस किसी तरह के रूल है, अराउंड 5-6 साल पहले इन्हें पकड़ किया गया था, तो उसके बाद में इसमें कोई काम नहीं हुआ है। जिस कंडीशन में सड़क है बस उसी में छोड़ा गया है, क्योंकि कोई भी केयर नहीं करता है। और ये फिलहाल पीडब्ल्यूडी वालों के पास है ये जो रोड है, तो वो आगे कभी ये खड्डे खुटे भरते नहीं हैं मिट्टी मुट्टी डाल के, बस कुछ टाइम में जैसे बारिश आएगी तो उसके बाद से फिर वापस से वही हालत है सड़कों की। और गाइस मेरी ब्रेकें भी ख़त्म हो चुकी है, तो भाई लोग ये भी नहीं पता है कि वीडियो किस तरह की आ रही होगी।
तो ये है मेरा घाटी, माता का टेम्पल। ये देखिए गाइस, एक छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग, और इसमें साइड से रास्ता है तो मैं साइड से ही निकालूंगा। रोड की हालत देख रहे हो गाइस, बिल्कुल ही ऑफ रोड है। बरसात में भाई साहब यही एक चीज नहीं लगती है जिससे हमारे रोड डिले हो जाते हैं, उसके बाद राइड करना है जैसे आपको, तो वो मज़ा नहीं आता है। क्या है, कभी कीचड़ लग जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, सड़क देख रहे हो गए साहब। मेरे को अब पैडलिंग करनी पड़ेगी इसमें, हालांकि इसमें उतनी अच्छी पैडलिंग होती नहीं है। पल्सर 150 UG4 जो मॉडल है शॉर्ट हैंडल में, बिल्कुल नीचे इसके बाद स्पोर्ट लुक में है ये। और बाकी जो तो बाकी कुछ बातें आगे करते गए, तो ये है गौशाला, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो गए जो वो रास्ता है आई थिंक यहीं से होना चाहिए, तो बाइक लगाते हैं यहाँ पर। तो भाई लोगों, तो ये है यहाँ गौशाला जो कि काफ़ी बुरी हालत में है। तो क्या, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ से तकरीबन 200 या 300 मीटर नीचे है, तो इधर को जाना है हमें, तो चलते हैं। गाइस जंगल देखिए आप, जंगल तो काफ़ी घना जंगल है। व्यूज़ का तो पता नहीं गाइस, पर डर जरूर लग रहा है इस जंगल में आकर, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से जंगल है। तो ये रास्ता है कुछ, रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, आई थिंक ये वाला रास्ता होना चाहिए, तो चलते हैं। अब सीधा मिलते हैं मंदिर में। तो हेलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अभी इस जगह, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह कैसी दिखती है, कैसा है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों वहाँ पहुँच चुके हैं उस जगह पे। तो वो सामने पेड़ों के पीछे ये है मंदिर, पर खास रीज़न था, इस तालाब को देखना था, तो इसीलिए मैं यहाँ आया, तो और आपको भी दिखाना चाहता था। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह ये नज़ारा है, ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा, बारिश से भी कुछ लगने वाली है, तो नज़र आ रहा होगा। चलिए गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें मछलियाँ हैं। मैं घर से कुछ थोड़े से चावल लेके आया था, उनका यूज करते हैं, देखते हैं मछली आती है कि नहीं। बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों हल्की हल्की, और ये देखते गए चावल जो कहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कोई मछली नहीं है, दूसरे किनारे में हूँ,
चलिए गाइस ज़रा एक राउंड मारते हैं इस तालाब के चारों तरफ। गाइस ये देखिए चारों तरफ जो है जंगल है, तो वो ये रहा नीचे क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ के क्रिकेट खेला जाता है। और बारिश रुकती है तो ग्राउंड में भी आपको मैं ले जाऊंगा और दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइस यहाँ से दिख रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा ये वो कहाँ यहाँ से पिच दिख रही है गाइस, कुछ ऐसा नज़ारा है। और बारिश शुरू हो चुकी है तो भी हमें जाना है वो उस साइड, वहाँ देखते हैं शायद वहाँ पर मछली हो। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है गाइस, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ घूम के, फिर मुझे लगता है मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर मछलियाँ आती है या नहीं। लगता है यहाँ पर मछलियाँ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैंने यहाँ पर मछलियाँ देखी थी काफ़ी रंग बिरंगी। तो जंगल देख रहे हो गाइस काफ़ी घना है ये, तो ऐसे किसी जंगल में गाइस अकेले ना आए क्योंकि भालू का खतरा रहता है। ऐसी घनी घनी झाड़ियाँ हैं इनके पीछे, कौन जाने कहाँ पर जो कि भालू गश्त लगा के बैठा हो। तो मैं पहुँच गया वो वहाँ से मैंने आपको दिखाया था, तो फर्स्ट ट्राई मैंने वहाँ से किया था जो कि नाकाम रहे। तो शायद यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर नहीं हुई ना तो इस मछलियाँ नहीं होंगी यहाँ। नहीं है गाइस अभी कोई मछलियाँ नहीं दिख रही है। क्योंकि दोस्तों अब मुझे वीडियो बंद करनी होगी क्योंकि बारिश तेज हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा ये। तो चलिए दोस्तों और थोड़े से सिनेमेटिक शॉट देखिए गाइस, और आज का व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा मदद मिल जाती है गाइस, हौसला मिलता है अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो।